भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति और ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने इंदौर के शख्स विक्रम अग्निहोत्री के लिए ट्वीट किया है। विक्रम ने एक हादसे में अपने दोनों हाथ खो दिए थे, पर उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। वे देश के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दोनों हाथ ना होने के बावजूद ड्राइविंग लाइसेंस मिला। हालांकि इसके लिए उन्हें 15 महीने संघर्ष करना पड़ा। उनके जज्बे को सलाम करते हुए आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, विक्रम हमारी कारें चलाएं, यह हमारे लिए गौरव की बात होगी। विक्रम, मैं आपको झुककर सलाम करता हूं। आपकी कहानी है जीत की कहानी। कृतज्ञता से जीवन का आलिंगन करना सिखाने के लिए आपका शुक्रिया। विक्रम रोजमर्रा के सारे काम खुद करते हैं बिना किसी की मदद लिए। खाना भी खुद खाते हैं, चाय पीते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ड्राइव भी करते हैं। उनकी कार में कुछ बदलाव खास तौर पर उनके लिए की गए हैं, लेकिन ड्राइविंग में वे किसी की मदद नहीं लेते। दोनों हाथ ना होने के बावजूद विक्रम न केवल कार चलाते हैं बल्कि हर साल मोटर स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेते हैं। वे नेशनल लेवल की 7 कार रैलीज में हिस्सा ले चुके हैं। इनमें से 5 में उन्होंने ट्रॉफी भी जीती है। खास बात यह है कि इनमें उनका मुकाबला दिव्यांगों से नहीं बल्कि सामान्य लोगों से था, उन लोगों से जो दोनों हाथों से कार चलाते हैं, जबकि विक्रम दोनों पैरों से स्टीयरिंग पकड़ते हैं। वे डेजर्ट स्टॉर्म रैली भी कर चुके हैं। यह 5 दिन का आइकॉनिक इवेंट है और पूरी दुनिया की नज़र इस पर रहती है। विक्रम ने बताया कि जब मैं लाइसेंस के लिए RTO गया तो मुझे देखते ही मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। मुझे एक मौका भी नहीं दिया और रिजेक्ट कर दिया। फिर मैंने कुछ फ़ोन करवाया तब उन्होंने मुझे गाड़ी चलाने का मौका दिया, लेकिन मेरा ड्राइविंग टेस्ट परदेसीपुरा स्थित हैवी व्हीकल ट्रैक पर लिया गया, जहां ट्रक ड्राइवर्स का टेस्ट लिया जाता है। 5-5 लोग वीडियो बनाने के लिए मेरी गाड़ी में बैठ जाते थे। मैं इसे ईश्वर की देन ही मानता हूँ कि इतने दबाव और शारीरिक चुनौती के बावजूद मैं अच्छी ड्राइविंग कर पाया। आखिर 15 महीने संघर्ष के बाद मुझे लाइसेंस मिला। विक्रम ने कहा, वैसे तो मेरा बिजनेस है, मैं HP की गैस एजेंसी चलाता हूँ, लेकिन मैंने LLB भी की है। जब मुझे लाइसेंस नहीं मिल रहा था तब मैंने मोटर वाहन अधिनियम के बारे में पढ़ा। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि पैर से कार नहीं चला सकते। मुझे जो लाइसेंस दिया गया वह IVC लाइसेंस है। IVC मतलब इनवैलिड कैरेज। इसका मतलब है मैं जो गाड़ी चलाऊंगा उसकी मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ मेरी की द्वारा की गई है। उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कंपनी ही कर सकती है, मैकेनिक या थर्ड पार्टी नहीं। इसके बाद मैंने मारुति को अप्रोच किया और बताया कि मुझे क्या बदलाव करवाना है। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फोर्ड से भी कोई जवाब नहीं आया। तब मैं स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह व नितिन गडकरी से मिला, पूरी बात उन्हें बताई। तब मोटर वाहन अधिनियम में ही संशोधन किया गया और मुझे एडेप्टेड व्हीकल का ऑप्शन मिला। अब थर्ड पार्टी का मॉडिफिकेशन की अनुमति मिल गई है। 29 सितंबर 2016 को RTO का कॉल आया और उन्होंने मुझे ड्राइविंग लाइसेंस दिया। लाखों दिव्यांगों के लिए सरकार की ओर से अधिनियम में किए गए इस बदलाव को मैं अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। लाइसेंस पाने से भी बड़ी जीत है यह।